कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे मटेरियल बाजार के बारे में। मटेरियल बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत के साथ ही अच्छी तरह से तेजी के साथ कामकाज देखा गया और जो खबरें आ रही हैं इसराइल और ईरान के बीच जो टेंशन का माहौल देखा जा रहा है, जो युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इसका पूरा असर विदेशी मार्केट के साथ साथ ग्लोबली बाजारों पर देखा जा रहा है। कमोडिटी बाजार पर इसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। मेटल मार्केट पर इसका जो असर पड़ा है उसको देखते हुए मेटल के बाजार में एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, एल्युमिनियम का बाजार काफी अच्छी तरह तेज है। पीतल के मार्केट पर तेजी दर्ज करी गई है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सोने और चांदी के बाजार में भी आप अच्छी बढ़त देख कर जा सकते हैं। चांदी का जो रेट है वो 84,000 के पार जा चुका है। सोने का रेट आप 72,000 के पार देखकर जा सकते हैं। क्या रेट चल रहे हैं एलमी और एमसीएक्स में, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। कॉपर में रेट एलमी में 9,535 है, 834.05 का रेट एमसीएक्स में चल रहा है। एल्युमिनियम के बाजार में 2,545 का रेट एलमी में, 232.55 का रेट एमसीएक्स में है। लेड के मार्केट में 2,172 का रेट चल रहा है एलमी में, 188.50 कीमत एमसीएक्स में है। जिंक के बाजार में 2,738 का रेट एलमी में है, 243 का रेट एमसीएक्स में चल रहा है। सोने के बाजार में 2,403.80 कीमत है, कॉमेक्स में 72,856 का रेट एमसीएक्स में है। चांदी के मार्केट में 28.92 का रेट देखा जा रहा है, कॉमेक्स का रेट है ये, और 84,150 का रेट एमसीएक्स के बाजार में आप देखकर चल सकते हैं। क्रूड ऑयल में इसी तरह से 86.30 कीमत है, कॉमेक्स में है, 7,177 का रेट एमसीएक्स के बाजार में है। दिल्ली के मार्केट में जो फिजिकल बाजार है, दिल्ली का स्पॉट मार्केट है, यहाँ पर भी आपको अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। अब यहाँ क्या रेट देखे जा रहे हैं दिल्ली या मुंबई के बाजार में, क्या कीमतें चल रही हैं, किस तरह को उतार चढ़ाव और ट्रेंड मार्केट में आप सब देख सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज और ट्रेंड आपको विस्तार से चीज की जानकारी खबरों में आगे देंगे, मगर उससे पहले मेटल बाजार संबंधित अगर आप मार्केट को उतार चढ़ाव की जानकारी चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कैसा कारोबार मेटल के मार्केट में रहने वाला है, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे होने वाला, मॉर्निंग में होने वाला 9:30 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके अभी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि लाइव सेशन में कैसे ज्वाइन होना है, आपको कैसे पूरी इन्फॉर्मेशन मेटल के मार्केट की मिल सकती है। अब बात करते हैं दिल्ली के बाजार के बारे में। दिल्ली के मार्केट में कॉपर केबल स्क्रैप में जो रेट है वो 862 है, कॉपर आर्मेचर में रेट 818 चल रहा है। एल्युमिनियम के बाजार में एल्युमिनियम पुर्जे में कीमतें 186 है, एल्युमिनियम बर्तन में जो रेट है वो 190 चल रहा है। जिंक के बाजार में 250 का लेवल देखा जा रहा है। दिल्ली के बाजार में 183 का लेवल चल रहा है। लेड में एलआईबीटी में कीमतें 203 है, बैटरी स्क्रैप में रेट 99.119 देखा जा रहा है। निकल का जो रेट है वो 1540 है, चिन्नागे में कीमत 3075 चल रही है, पीतल में रेट 521 है, एसएस बर्तन स्क्रेप में आप 64 तक का रेट बाजारों में देखकर चल सकते हैं। मुंबई के मार्केट में फिजिकल बाजार में अच्छी तेजी दर्ज करी गई है। कॉपर केबल स्क्रेप में कीमतें 804 है, कॉपर आर्मेचर का रेट 773 चल रहा है। ब्रास स्क्रेप में कीमतें बाजारों में मुंबई के मार्केट में 520 है, एल्युमिनियम स्क्रेप का रेट 175 देखा जा रहा है। जिंक के मार्केट में जिंक इंगट में कीमतें 248 है, लेड का रेट 191 चल रहा है, टीन इंगट में कीमतें 3110 देखी जा रही है। निकिल का जो रेट है निकिल कैथोड में 1570 देखा जा रहा है, ये मुंबई का रेट है। ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग रेंज के बारे में बात करते हैं तो सपोर्ट का एक अच्छा लेवल कॉपर के बाजार में 810 है, रेजिस्टेंस लेवल 820 है, लेट के बाजार में सपोर्ट एक अच्छा 182 का है, रेजिस्टेंस लेवल 184 है, जिंक के मार्केट में 248 का सपोर्ट काफी अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल 254 है, निकिल के बाजार में 1600 का सपोर्ट का लेवल अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल 1640 चल रहा है। ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड है वो आपको पॉजिटिव ही देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। सोने चांदी के मार्केट में भी अच्छी तेजी है और ग्लोबली बाजारों में जो टेंशन का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए फिलहाल बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। रेट काफी अच्छा है, जरूरत के हिसाब से आप रेट को देखते हुए गिरावट पर खरीदारी मेटल के मार्केट में जरूर कर सकते हैं। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और मेटल बाजार से जुड़े हर एक अपडेट के न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।